हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट के लेकर के मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो सबका कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना और टाइम टू टाइम संभव नहीं हो पाता है। सो मैंने सोचा कि जितने लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनका एक जगह मैं इकट्ठा करके उसका रिप्लाई एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दे दूं। जैसे कि एक ही टाइप के क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जैसे कि एक ही कैटेगरी से आप हैं और आपका इतना नंबर आ रहा है, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, या जो भी आपके जो डाउट थे वो सारे इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। दूसरी बात, आपने थंबनेल देखा होगा, उस पर पढ़ा होगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा पहले ये बता दें जिन लोगों के जो कमेंट्स हैं, उसके बाद उस महान व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिन्होंने इतना शानदार कमेंट्स किया है जो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे एक मुझे सवाल मिला वो मिला कि सत्यम कुमार और सुषमा कुमारी ने कमेंट्स किया था कि सर फायरमैन क्लास का टाइम क्या चलेगा, मतलब कब से होने वाला है। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था दो तीन दिन पहले और मैंने बताया था कि शाम को 3 बजे इसका क्लास चलेगा डेली का डेली, और मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें केवल प्रैक्टिस सेट, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। यानी कि आपका सबसे पहले सिलेबस में हिंदी है तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। और हाँ, आज से सत्यम कुमार, सुषमा कुमारी, आज से आप लोग 3 बजे गारंटी के साथ लाइव क्लास में, आज पहला चैप्टर चलेगा पूस की रात, और उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और थ्योरी दोनों एक साथ कराए जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चैनल पे चले जाइए जहाँ पे मतलब सारे वीडियोस रहते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि आप लोगों का टाइमिंग मैंने डाल दिया है 3 बजे का पूस की रात का, तो 3 बजते ही आपका क्लास शुरू हो जाएगा। दूसरा कमेंट है भोला सिंह का, उन्होंने कहा कि सर डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे पैन कार्ड से और आधार कार्ड से अलग अलग है, मैं कई जगह गया लेकिन कह रहे हैं कि सुधार नहीं होगा। ऐसा नहीं है भोला बाबू, आप आराम से जाइए डेट ऑफ बर्थ सुधार करवा लीजिए, क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। नौकरी होने के बाद भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ड्यूटी कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है आपके पैन कार्ड पे, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर अलग अलग डेट हैं तो दिक्कत हो जाने वाली है। तो इसे आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो इसे सुधरवा लें। और राजीव यादव तीसरे व्यक्ति हैं, राजीव यादव जिनका कमेंट्स है कि सर बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। देखिए, अभी बिहार पुलिस का तो इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। हाँ, बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी है वो आपको नवंबर से दिसंबर तक आ जाएगा, यानी अभी उसमें टाइम है, इस साल के लास्ट में ही बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, अभी बिहार फायरमैन है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लोग उसका तैयारी कीजिए। फिर है सुधीर यादव, ये लिखते हैं कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर बाबू कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आप लोगों का यही साथ हम लोगों को एक मोटिवेट करता है कुछ कुछ वीडियो बनाने का। फिर हैं अजीत कुमार, कहते हैं सर OMR वाइटनर प्रॉब्लम, मतलब कहने का अर्थ, इन्होंने लिखा था कि सर मैंने एक क्वेश्चन बनाया और वो गलत हो गया, तो मैंने उसको वाइटनर लगा करके फिर उसे सही किया, तो क्या मेरा कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। देखिए, दिक्कत तो होगा क्योंकि वाइटनर यूज़ नहीं करना होता है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में, आप छोटे लेवल का से लेकर के बड़े लेवल तक, आप तो एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे हैं जहाँ पे लाइफ से बात जुड़ी है, वहाँ पे ये तो गलती है कि आपने गलती किया है, आपको OMR पे वाइटनर का यूज़ नहीं करना चाहिए था। फिर भी वेट कीजिए, कोई दिक्कत अगर नहीं होना चाहिए, बट अगर ध्यान चला गया और तो समस्या हो सकती है, सो आप लोग वाइटनर यूज़ मत कीजिए OMR सीट पर। ठीक है, अब कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि सर मेरा रिजल्ट इतना नंबर आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ उस महान व्यक्ति के बारे में।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर बना दिया है, नाम किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कैटेगरी उन लोगों का जो उन्होंने बताया कमेंट के माध्यम से, और उन्होंने जो बताया कि मार्क्स कितना है और उनका रिजल्ट होगा कि नहीं, मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक नंबर पे रीमू कुमारी कमेंट अब कर रही हैं कि सर मैं OBC कैटेगरी से हूँ यानी BC2 और मेरा मार्क्स 50 आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है। तो देखिए, आप कट ऑफ के नीचे हैं, ठीक है ना, तो उम्मीद तो कम ही है, बट 50-50 आप रख सकती हैं, मतलब कि रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 50 जो है वो कट ऑफ से आप काफ़ी दूर हैं, सो चांस तो कम ही बनता है, फिर भी वेट कर सकती हैं, ठीक है। दूसरे हैं हरचंद बैठा SC कैटेगरी से हैं, उनका 74 मार्क्स आ रहा है। देखिए, 74 मार्क्स जिनका आ गया, वो तो जनरल कैटेगरी से भी अगर होंगे तो उनका 100% है कि उनका रिजल्ट आएगा, और आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नंदन कुमार हैं, वो EBC कैटेगरी से हैं, बताते हैं 68 है, बिल्कुल बाबू 100% आपका रिजल्ट आएगा, फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है। सोनू कुमार SC कैटेगरी से हैं और ये बताते हैं कि 62 है, तो आपका भी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% आपका भी है। लेकिन रणधीर मल्होत्रा है SC और ये 60 नंबर है, तो देखिए मैं यहाँ पे 90% लिखा हूँ, मतलब ये कट ऑफ पे हैं, क्योंकि कट ऑफ पे रहना क्या होता है, बाउंड्री लाइन पे कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तो आप ये भी मत मान के चलिए कि आपका नहीं होगा, आप 90% मान के चलिए हो जाएगा, 10% वो आपका अनलक कहलाएगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अनलकी हैं, और रिजल्ट हो गया तो आप समझिए बहुत बड़े लकी हैं, क्योंकि एकदम मुंह पर आप हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। शैलेश कुमार हैं, EBC से हैं, उनका 72 है, बाबू इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, आप अपना फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर है MD राजू ने लिखा है ये कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मतलब बिहार से नहीं हूँ, तो देखिए अदर स्टेट से हैं और किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी हो जाता है, क्योंकि हर राज्य में वहाँ के अभ्यर्थी को ही वहाँ का कोई भी आरक्षण दिया जाता है, बाहरी राज्य को बाहरी राज्य में नहीं मिलता है, जनरल माना जाता है। तो ये इनका 78 है, तो जनरल मार्क से काफ़ी आप ऊपर हैं, तो आपका 100% रिजल्ट होने वाला है। राजा कुमार पुडार है OBC से, 74 आ रहा है, 100% रिजल्ट होगा। इंदल कुमार EBC से हैं और इनका 85 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा है, इनका भी 100% रिजल्ट होगा। सुमन राज OBC, इनका 52 है, तो देखिए मैंने अभी बोला कि थोड़ा सा 50-52 के आसपास OBC है, तो वे लोग वेट करें, इंतज़ार करें रिजल्ट का क्या होता है, रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा और मैं अभी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूँगा रिजल्ट को लेकर के भी। राजन कुमार OBC से हैं और इनके जो मार्क्स हैं वो 80 हैं, तो इनका 100% रिजल्ट होगा। विमलेश कुमार SC से 62 हैं, 100% रिजल्ट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्जुन पाल EBC और इनका मार्क्स आ रहा है 62, तो ये 50-50 में है, क्योंकि ये एकदम कटक के पास में है, ठीक है ना, मतलब नीचे हैं, तो 50-50 में आप वेट करना होगा आपको। सुधीर कुमार OBC 82, 100%। राजन कुमार EWS 60, इनको भी वेट करना होगा, क्योंकि EWS 60 नहीं है, ऊपर है, फिर भी वेट कर सकते हैं, आसपास है, कुछ भी हो सकता है। सुजीत कुमार OBC 70 और इनका 90% चांस बनता है, क्योंकि ये कट ऑफ पे एकदम है, तो आप अपना मतलब फिजिकल की तैयारी शुरू कर, देखिए जिनका 90 से 100% है वे तो बिना सोचे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जिनका वेट है 50-50 में बता रहा हूँ, वे लोग चाहें तो कर सकते हैं, बट नहीं भी करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है, सो फिर भी अपनी इच्छा है कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो शरीर तो ठीक रहेगा। विनय कुमार SC से हैं, 55 नंबर, इनको भी वेट करना होगा। आलोक संघ कृति OBC 68 हैं, 90% चांस इनका बनता है। आलोक संघ कृति समझ में नहीं आता है कैसा नाम है, ठीक है ना, आप लोग कैसा कैसा नाम लिख देते हैं। फिर है राइडर विशाल सिंह EWS से हैं, 65 नंबर आ रहा है, 100% रिजल्ट होगा। पप्पू शर्मा लिखते हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं फीमेल हूँ और ST से हूँ, तो 50 आ रहा है, फिर भी आप 90% ही लेके चलिएगा, क्योंकि मतलब पूरा नहीं है, फीमेल होने के बाद भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं आप। उदित कुमार का SC से है 56, वेट करना होगा। कुसुम कुमारी OBC 63, 100% रिजल्ट बनेगा।
एमएस अभयराज एससी से हैं, 60 नंबर 90%, और लास्ट है अंकित कुमार ईबीसी 65 100%। तो यहाँ पे जो कमेंट्स मेरे आए परसों के वीडियो पर, उन लोगों का मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया है, और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो फिर अगले सेशन में जब भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, या आप लोग भी अपना कमेंट्स कर सकते हैं, और भी कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो एक जगह मैं सबका जवाब दे दूंगा। तो ये तो हो गए आपके कमेंट्स के जवाब। दूसरा बात मैं करने वाला हूँ उस महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने बहुत ही शानदार एक कमेंट किया है। तो आइए ले चलते हैं उस कमेंट के पास में। जैसा कि आपने ये थंबनेल देखा था, मैंने बोला था कि आप लोगों के कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा जो दे चुका हूँ। यहाँ पे एक आ रहा है, लिखा हुआ है दारा कोचिंग सेंटर। जो भी महान व्यक्ति हो, कोई ना कोई कोचिंग चलाते होंगे, सर हैं, और इनका लैंग्वेज जो है वो बहुत ही शानदार है। मतलब इतना शानदार कि कहने में भी हमको हिचकिचाहट हो रही है, और नहीं कहा जाता, नहीं शब्द नहीं है मेरे पास कि हम इनके बारे में क्या कहें। इतने अच्छे व्यक्ति हैं ये कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये समझ ही सकते हैं अब इसके बाद हम क्या बोलें। मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे गया, देखा भाई कौन से व्यक्ति हैं, इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करता है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मेरे चैनल पे लोग गलत वर्ड यूज नहीं करते हैं। सभी लोग कमेंट्स ऑफ करके रखते हैं, बहुत सारे लोग, मैं सभी लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना सब चीज़ ओपन रखता हूँ, लाइक डिसलाइक हो, कमेंट्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं बंद नहीं करता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं बंद करता कि हो सकता है आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसको मैं रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन आप कमेंट्स का गलत तरीके से यूज करते हैं कुछ लोग। मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा, मात्र यही एक व्यक्ति हैं, पता नहीं इनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, और इन्होंने ऐसे वर्ड यूज किए। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं, और एक तरह से मैं इनके चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। बेचारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। दारा कोचिंग सेंटर, वहाँ पे गया तो दो वीडियो मुझे दिखाई दिए, 10th क्लास का ये एक क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं, मैथ का 1.3 का क्वेश्चन है वो, और काफ़ी अच्छे से समझाए हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझाए हैं, लेकिन दो ही वीडियो डाले हैं, उसके बाद ये नहीं डाले हैं वीडियो। तो हमको समझ में नहीं आया कि एक टीचर होकर के एक ऐसे वर्ड यूज करना, मतलब कैसे ये क्लास जब पढ़ा, कहीं ना कहीं तो कोचिंग भी पढ़ाते होंगे। दारा नाम रखे हैं, दारा मतलब दारा साहब का नाम सुने हैं ना, हनुमान जी बनते थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, और उनके इतने अच्छे वर्ड्स निकलेंगे तो बच्चे इनसे कैसे मोटिवेट होते होंगे, कैसे इनका रेस्पेक्ट दे पाते होंगे। हम सोचने लगे कि आप एक टीचर हैं, आपके हर वर्ड्स का मायने है। माना कि कोई बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए बिहार पुलिस का तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, इंटर लेवल के बच्चे करते हैं, कमेंट्स गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टीचर को तो ये शोभा नहीं देता है। रही बात रिजल्ट की, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा, सीधा सा बात है। आप कहेंगे सर आपने बोला 25 तक रिजल्ट आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 25 तक चांस है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं बात करते हैं रिजल्ट आने का। अगर रिजल्ट 25 को नहीं आता है तो 25 तारीख को मेरा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको कन्फर्म डेट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कल तक वेट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरा वीडियो या मैं अपने कम्युनिटी के माध्यम से जो भी है मैं आपको बता दूंगा कि रिजल्ट का सही डेट क्या होने वाला है, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग टेंशन में ना रहे। अब आप कहेंगे फिर डेट आप बढ़ाने लगे, कहने का अर्थ है बोर्ड डेट पर डेट बढ़ाती है, हम क्या बोर्ड से ऊपर हैं, नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आपको बताएंगे। हम खुद CSBC में जो मेरे एक भाई हैं उनसे हम बात करेंगे कि भाई कुछ तो बात बताओ, तो जो होगा हो सकता है मैं कि उनका बाय फेस या कॉल रिकॉर्डिंग्स जो भी होगा मैं आपको सुना भी दूंगा अगर कहेंगे आप लोग तो, ठीक है ना। तो बस यही कहना था, आज के कमेंट्स के जवाब मिल गए, और 3 बजे से फायरमैन का क्लास चलेगा पूस की रात, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल रहा हूँ बराबर 2-2 घंटे पे, और वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।